बुद्धिमान व्यक्ति ये चार बातें किसी को नहीं बताते हैं। आचार्य चाणक्य की नीतियां काफी व्यावहारिक है, जो जीवन जीने की कला सिखाती है। चाणक्य ने जीवन के हर एक पहलू से संबंधित कई तरह की बातें बताई हैं, जिनका पालन करके आप अपनी जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उनकी नीतियां जीवन को सफल और सुखमय बनाने के लिए कई तरीके बताती है। आमतौर पर लोग अपने करीबियों से अपने सुख दुख बांटते हैं, लेकिन चाणक्य के अनुसार कुछ बातें जो केवल खुद तक ही सीमित रखना चाहिए, उनकी नीतियों में इन बात का जिक्र है। पहला, चाणक्य के अनुसार अगर लोगों को किसी भी प्रकार का आर्थिक नुकसान हो जाए तो इस बात के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। चाणक्य के अनुसार धन की हानि होने पर दुख होना लाजमी है, लेकिन इस दुख को किसी से भी साझा न करें। किसी को अपना दुख बताने के बजाय अपने नुकसान को कैसे कम किया जाए, इस बारे में सोचने की सलाह देते हैं। चाणक्य आचार्य के अनुसार दूसरों को अपना नुकसान बताने से सिर्फ लोग हंसते हैं। लोगों के सामने अपने दर्द की नुमाइश न करें। दूसरा, उनके अनुसार कभी भी किसी को अपने परेशानी और दुख को किसी के सामने नहीं बताना चाहिए। आपके मन की परेशानी सुनकर हो सकता है कि सामने वाले लोग आपको सहानुभूति दिखाएं, लेकिन पीठ पीछे वे आपके मजाक उड़ा सकते हैं। इसलिए अपने दर्द को बांटने से बेहतर है कि आप अपने दुखों का निवारण करने का उपाय ढूंढें। तीसरी बात, चाणक्य के अनुसार अपनी निजी बातें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार अपनी निजी बातें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। अपने घर की महिलाओं से जुड़ी अच्छी और बुरी बातों का जिक्र कभी भी दूसरों के सामने नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, समझदार पुरुष अपनी पत्नी के गुण और दोषों के बारे में किसी से भी नहीं बात करनी चाहिए। चाणक्य के मुताबिक जो पुरुष या स्त्री अपने जीवन साथी के बारे में दूसरों को बताते हैं, उन्हें कभी ना कभी खुद ही इसका कष्ट भोगना पड़ता है। चौथा, आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर कोई आपको कुछ कटु शब्द कह देता है तो उसके बारे में भी किसी से न कहें। उनका कहना है कि बुरी नीयत के लोग हमेशा दूसरों को चोट पहुंचाने का कार्य करते हैं। ऐसे में अगर आप उनकी कही बातों को दिल से लगा लेते हैं और दूसरों को भी इसके बारे में कुछ कहते हैं तो लोग मन ही मन आपका मजाक उड़ाएंगे। ये रही चार बातें जो आपको, हमको, किसी को भी किसी के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहिए। और आज का तो परिवेश ऐसा हो गया है कि कुछ भी कहो किसी से लोग पीठ पीछे बात करते हैं। इसलिए अपनी खूबियाँ पहचानो और अपनी खूबियों पर काम करो और अपने में खुश रहो। बी हैप्पी विद योरसेल्फ। थैंक यू।